एक बात बता, चाय और कॉफी? ऑब्वियसली चाय। जिम और योगा? जिम। बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड। ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम? भाई ये सबसे डिफिकल्ट है, इसमें तो हर साल कंफ्यूजन होती है। सिंपल है यार, इस साल के फाइनेंशियल 2023 में दोनों ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है। एक तरफ जहाँ 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं अंडर दी ओल्ड रिजीम, दूसरी तरफ न्यू रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। इसका मतलब मैं 7.5 लाख तक की इनकम पर तो ब्लाइंडली न्यू रिजीम चूज कर सकती हूँ, राइट? या राइट। और 7.5 लाख से ज्यादा की इनकम हुई तो? और हम लोग क्या हर साल चेंज भी कर सकते हैं? देख, अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है तो डिपेंड करता है कि तूने कितने इन्वेस्टमेंट्स किए और कितना डिडक्शन क्लेम किया है। और जो सैलरी इनकम वाले लोग एवरी ईयर अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस इनकम वाले जैसे कि कंसल्टेंट्स या फिर फ्रीलांसर्स या फिर बिजनेसमैन, वो खाली लाइफ में एक बार चेंज कर सकते हैं, उसके बाद वापस कभी नहीं। अच्छा, और बस रुक जा, तुझे कितने डाउट्स है यार? तो एक काम कर, टैक्स बडी की 23rd September को मास्टर क्लास है ऑन ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम, तो तू उसमें इनरोल कर ले ऑन टैक्स बडी अकेडमी, वहां तेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द कैप्शन फॉर द लिंक।